अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज लाहौर गेट्स एंड स्कूल रहमत कैंपस एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश लिटरेचर। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर हेल्थ। टुडे आर चैप्टर नंबर 6 एंड ए टॉपिक इज नेबर्स। सो लेट्स स्टार्ट आर टुडेज टॉपिक। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इज व्हेन वी टेल समवन व्हाट एन अदर पर्सन सेड। हाउ वी रिप्रेजेंट द स्पीच ऑफ अदर पर्सन व्हाट वी से आवरसेल्फ्स से। When we want to report what someone said without speech marks and without necessarily using exactly the same words, reported speech का मतलब होता है कि जब हम किसी और की बात किसी और तक पहुंचाना चाहें। How we represent the speech of other person in front of another person, जब हम किसी और की बात किसी दूसरे को बताना चाहें, किसी और का मैसेज किसी और को पहुंचाना चाहें, but without using the same words and without using speech marks। आपको पता होगा कि speech marks का क्या मतलब है। स्पीच मार्क्स का मतलब पता होगा कि ये मतलब होगा कि स्पीच मार्क्स का हम जो यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास, जब हम किसी की एग्जैक्ट कही हुई बात को किसी तक जब हम किसी की कही हुई बात किसी तक पहुंचाते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं। बट रिपोर्टेड स्पीच इज वी कन्वे आर मैसेज विदाउट यूजिंग एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एंड विदाउट यूजिंग स्पीच मार्क्स। To do this, we can use direct or indirect speech. Direct or indirect speech का मतलब हुआ कि आपने किसी की बात exactly same words में कही या फिर किसी की बात exactly same words में नहीं कही, but without using exclamation marks, inverted commas or speech marks. So today, your book page number is 13. Your workbook page number is 13 and question number is 6. Rewrite the following speech in reported speech. आपने इन सेंटेंसेस को जो रिपोर्टेड स्पीच में करना है। लीला सेड लास्ट नाइट वी वेंट टू सिनेमा। लीला ने कहा कि हम पिछली रात को सिनेमा में गए। अब हम जब किसी और को यही बात बताएंगे तो हम कहेंगे लीला सेड दैट शी हैड गॉन टू द सिनेमा प्रीवियस नाइट। वो कल रात को सिनेमा में गई। इट वॉज अ फिल्म कॉल्ड डाई हार्ट, सारा सेड। सारा ने कहा कि ये फिल्म का नाम जो था वो डाई हार्ट है। रिपोर्टेड स्पीच इज सारा सेड दैट इट वॉज अ फिल्म कॉल्ड डाई हार्ट। हम जब किसी और को बताएंगे कि सारा ने क्या कहा तो हम कहेंगे कि ये वही फिल्म थी डाई हार्ट जो सारा बता रही थी। इट हैड अ प्लेंटी ऑफ एक्शन बट आई डिडेंट लाइक इट टू मच, नरगिस सेड। नरगिस ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे काम हैं लेकिन मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। बट वन वी विल रिपोर्ट द अदर पर्सन वी विल से नरगिस सेड दैट द फैमिली हैड प्लेंटी ऑफ एक्शन शी हैड नॉट लाइक इट मच। आई प्रेफर रोमांटिक फिल्म्स, उस्मा सेड। उस्मा ने कहा कि शी प्रेफर्ड रोमांटिक फिल्म्स। रिपोर्टेड स्पीच विल बी उस्मा सेड दैट शी प्रेफर्ड रोमांटिक फिल्म्स। उस्मा ने कहा कि शी प्रेफर्ड रोमांटिक फिल्म्स। राबिया सेड द ऑडियंस गॉट नॉइजी स्पेशली द बॉयज़। राबिया ने कहा कि ऑडियंस जो वहाँ पर बैठी हुई थी वो बहुत शोर करने लगी। रिपोर्टेड स्पीच विल बी राबिया सेड दैट ऑडियंस गॉट वेरी नॉइजी स्पेशली द बॉयज़। सो नेक्स्ट इज I was quite afraid of at times, she said. इसके बाद हमने देखा कि ये जो नेक्स्ट है I was quite afraid at times, she said. उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई। She confessed that she had been quite afraid at times. जब हम किसी और को यही बात बताएंगे तो हम कहेंगे कि उसने मान लिया कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। नाजरीन said I went only because my brother insisted. नाजरीन ने कहा कि मैं इसी वजह से गई क्योंकि मेरे भाई ने मुझे इसके लिए इंसिस्ट किया, मुझे बार बार इसके लिए कहा। नाजरीन एडमिटेड दैट शी हैड गॉन ओनली बिकॉज हर ब्रदर इंसिस्टेड। उसने ये बात मान ली कि शी गॉन ओनली बिकॉज शी हर ब्रदर सेड टू हर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक अबाउट रिपोर्टेड स्पीच। योर होम टास्क इज टू सॉल्व पेज नंबर 14 ऑफ योर बुक। अल्लाह हाफिज़। हैव अ गुड डे।